तो 2-3 साल से 4 साल से कहीं ना कहीं बाबा जी की ही वजह से हम लोग इनके खिलाफ खड़े हो पाए, और आज तो आप देख रहे हैं कि हवाएं बदल गई, मौसम बदल गया। माफिया गिरी तो मैं समझता हूँ कि 3-4 साल पहले ही हम लोगों ने अगर माफियाओं से लड़ना स्टार्ट कर दिया था या उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया था, तो 2-3 साल से 4 साल से कहीं ना कहीं बाबा जी की ही वजह से हम लोग इनके खिलाफ खड़े हो पाए, और आज तो आप देख रहे हैं कि हवाएं बदल गई, मौसम बदल गया, और जिस तरह की चीज़ें थीं हम लोग हमेशा डर में रहते थे, भय में रहते थे। हम 2-3 साल से जब से हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं हम इनसे तब से ही नहीं डर रहे थे, कि कहीं ना कहीं हमें लगता था कि बाबा जी हैं, हमारे पक्ष में कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होती भी थी। अगर अपनी शिकायत करते थे तो उस पर प्रशासन तुरंत एक्शन लेता था। मैं आपको 2016 की एक वारदात बताता हूँ। यही हमारे बगल में ही खुल्दाबाद एक है, वहाँ पे तबाहतोड़ अतीक अहमद के पूरे गुर्गों ने तबाहतोड़ फायरिंग करी, मारपीट करी बीच बाजार में बेनीगंज में। उसमें FIR होती है, 2016 की बात बता रहा हूँ मैं। उसमें FIR हुई कम से कम 10 लोगों के नाम। बस वही मैं कहता हूँ ना कि FIR हुई, कचरे के डब्बे में चली गई, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और आप यही देख रहे 2017 के बाद, अभी 2021 में अगर मैंने FIR करी, आप उसमें एक एक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, सिर्फ एक आसाद कालिया जो भी फरार चल रहा है, बहुत जल्द गिरफ्तारी उसकी भी हो जाएगी। किसी व्यक्ति को अगर जनता जिता रही है तो वो व्यक्ति कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक उनकी अपनी ये बात थी, दूसरी ये कि उसके बाद समाजवादी पार्टी से 3 बार टिकट लेकर विधानसभा गए और 1 बार सांसदी भी उन्होंने लड़ी। उस समय तक भी अतीक अहमद जी समाजवादी पार्टी के जब सदस्य थे, तो अतीक अहमद जी 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 अतीक अहमद जी, ये देश के किसी कानून में नहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को जो मनुष्य हो उसको आप गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं, मानव अधिकार क्या जो कैदी होते हैं उनके नहीं होते हैं क्या?